काजी, जो एक बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। You are not a good man. You are inciting hatred and you are inflaming people. आप गए हैं इस नियत से गए हैं कि मैं कन्वर्ट करूंगा, आप लोगों को दावत दूंगा, तो ये इतनी बदतमीजी करके कौन इस्लाम की तरफ आना चाहेगा, राइट? मुसलमानों का कंडक्ट इज़ द नंबर वन थिंग दैट शुड अट्रैक्ट अदर पीपल टूवर्ड्स इस्लाम, तो ये कंडक्ट देखकर कौन आना? डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मुद्दबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज प्लीज गो होम, गो बैक। डॉक्टर जाकिर नाइक की जी, यहाँ पता नहीं है डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं। सेक्स के एजेंडे को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी, ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का पंगा भी औरतों से ले रहा है वो। तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आप आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए। सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट इसलिए मैं बोलता ना उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएंगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता, मैं उर्दू भी कमजोर है मैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूं, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूंगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का। तो हाँ रहते वो इंडोनेशिया में, बोल वो हिंदी रहे, ये चक्कर क्या है? इसका मतलब है उनके ऊपर बड़ी गहरी छाप है भारत की। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक्तदार है ये हराम है। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था, अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। क्या जरूरत थी इनको लाने की यार, हु इज ही, वो कौन है, क्यों लाया गया है उनको? मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स, आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ। जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हो भी सकती है भाई, हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी, इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। जाकिर नाइक पर भारत सरकार ने शिकंजा कसा तो ये मलेशिया भाग गया और वहाँ पर रह कर उसने वहाँ की सदस्यता ले ली। यहाँ पर ये टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के और कई तरह के इस पे केस जब शिकंजा कसने लगा तो ये भाग कर मलेशिया चला गया और अपनी तकरीरें वहीं से इसने जारी रखी। फ़िलहाल ये भारत सरकार के लिए मोस्ट वांटेड है और फिलहाल पाकिस्तान में ये आया हुआ है, वहाँ की सरकार ने इसको आमंत्रित किया है वहाँ तकदीरें देने के लिए, लेकिन ये ऐसी तकदीरें करता है महिलाओं पर, तो वहाँ के युवा और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर गो बैक जाकिर नायक का हैशटैग चलाया जाता है कि आप यहाँ से चले जाएं नहीं तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। कभी ये भारत की तारीफ़ करता है और कभी पाकिस्तान की बुराई करने लगता है और इस्लाम को अपने ही तरीके से ये पेश कर रहा है, तो वहाँ के लोग इससे परेशान हो गए हैं और जाकिर नायक तुम चले जाओ ये कहने लगे हैं। हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो कहीं ना कहीं से कोई टेढ़ा सवाल हो ही जाता है जिसका डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं होता और वो तिलमिला जाते हैं और फिर ओल फोल बकना शुरू हो जाते हैं। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अवाम ने इतना काउंटर किया, इतना काउंटर किया, इतने उनको हेट मिली है कि अब उन्होंने परेशानी के आलम में आकर पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नायक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और साथ ही उन्होंने
कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। दीन का इक्तदार है ये हराम है, बेनजीर भुट्टो का इक्तदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक्तदार। कमाई के लिए तो आ रहे हो, हाँ, सही बात। दूसरों को आगे कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आपने क्यों भागे वो वहां से मुझे बताएं, खामखा उनके पीछे पड़ गए। वो कह रहे हैं देखो मेरी कितनी इज्जत होती थी वहां, अब उनको ये पता चला है कि इंडियंस तो मेरी बड़ी इज्जत किया करते थे, वहां के हिंदू तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। योर स्टेट गेस्ट इनवाइटेड बाय योर गवर्नमेंट बाय योर स्टेट, तो क्या है यार, अब यू विल गो इन अ होटल और वहां पे चाय पियोगे एंड देन यू विल से कि मैं स्टेट गेस्ट हूं, मैं से चाय का बिल ना लाओ, या आप जाएंगे भाई साहब और आप शॉपिंग करेंगे और आप कहेंगे मेरे से बिल ना लो, मैं स्टेट गेस्ट हूं, ये तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दो अपना बिल। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बीइंग अ गेस्ट, यू आर अ गेस्ट, बट देन यू लिव विद इन द लिमिटेशंस, एंड एज अ गेस्ट शुड लिव एंड बिहेव। आप कह रहे हैं कि जी लोगों को आपने कहा मेरा 9 करोड़ का एक कैमरा है जो मैंने लाना था, कौन सा कैमरा आपका 9 करोड़ का? 9 करोड़ इंडियन रुपीज का मतलब है, रफली मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, को 22-25 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। तो जाकिर साहब, आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन सा कैमरे हैं जो 25-25 करोड़ के आप उठा के फिर रहे हैं, और क्योंकि एरी मिनी जो है मैंने उसका लास्ट जब पता किया था तो जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है फिल्म मेकिंग के लिए जो यूज होता है, जो स्टीवन स्पिलबर्ग और ये संजय लीला बंसाली और ये सारे लोग ये करते हैं ना यूज, तो वह एरी का यूज करते हैं, गालिबन मिनी वगैरह यूज करते हैं विद स्टडी कैम, वो कोई 2 करोड़ का है, और सारे लेंसेज भी इसके ले लेंगे तो 5 करोड़ का हो जाएगा, 4 करोड़, 9 करोड़ के कैमरे कौन से? और आपको क्यों ऐसे कैमरे चाहिए कि कॉस्मेटिक लुक्स आपको देनी है उन्होंने ये वो? क्या ये आप अपनी जेब से ले रहे हैं? प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगले किसी सेशन में। इंटरनेशनल एयरलाइन को उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना, कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया एक महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को, सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।